बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टैबलेट का रिव्यू करने जा रहे हैं, जिसको अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, ये हुयान का है HS64। इस टैबलेट का नंबर है और ये बहुत ही अच्छा टैबलेट है। इसका जो एक्टिव एरिया है वो है 6.3 x 4 इंच। इसकी प्रेशर सेंसिटिविटी 8192 लेवल्स है और इसके पेन रेजोल्यूशन जो है वो 5080 लाइंस पर इंच है, LPI है। और इसका जो रिपोर्ट रेट है वो 266 PPS, यानी पॉइंट्स पर सेकंड, यानी इतनी फास्ट ये जो है रिपोर्ट रेट इसका जनरेट होता है। रीडिंग हाइट जो है ये 10 mm की हाइट से जो है ना ये रीड कर सकता है, ये देखें 10 mm की हाइट से। इसमें 4 कस्टमाइजेबल की है जो कि आप अपने हिसाब से उनको कमांड सेट कर सकते हैं। इसका इंटरफेस जो है वो इंटरफेस टाइप जो है वो USB है, यानी USB केबल से ये कनेक्ट होता है। और ये Windows 7 और लेटर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 10.12 और लेटर और एंड्रॉयड पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अभी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। ये ओपन किया इसको, इसके अंदर जो है हमें एक तो थैंक यू कार्ड मिला, इसके साथ ये ड्राइवर डाउनलोड के लिए जो एड्रेस है वो उसके ये गत्ता सा है, इसके ऊपर एड्रेस दिया हुआ है। और इसके बाद इसके अंदर जो है ये टैबलेट है, इसको मैं साइड पे रखता हूँ। ये टैबलेट है, इसको बाहर निकालते हैं। ये देखें बड़ा ही खूबसूरत सा टैबलेट है, बड़ा ही सॉफ्ट सा। ये इसकी कस्टमाइज कीज हैं 4, इसको हम एक तरफ रखते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक ये ग्लव भी दिया हुआ है उन्होंने। उसके बाद इसके अंदर ये पेन है, ये पैसिव पेन है, ये चार्ज भी नहीं करते, इसमें सेल भी नहीं डालना पड़ता और इससे जो है हम वैसे यूज़ कर सकते हैं जो कि बेनिफिटेड है। इसके अंदर जो है ये गिफ्ट है, मोबाइल के अडाप्टर्स हैं जो कि आप मोबाइल के साथ अगर कनेक्ट करना चाहें तो इसकी ये USB केबल जो है इसको आप मोबाइल के साथ ये अडाप्ट, वैसे ये जो USB केबल है ये USB केबल यूज़ होती है कंप्यूटर के साथ, लेकिन आपने मोबाइल के साथ अगर यूज़ करना है तो ये अडाप्टर आप इसके आगे यूज़ करके इसे मोबाइल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसके स्पेयर निब्स हैं, इसके अंदर के ये निब्स हैं स्पेयर, और इसके साथ रिंग है जिसके ज़रिए से आप इन निब्स को रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर ये मैनुअल है, ये मैनुअल जो है ये भी इसके अंदर आता है। ये सारी चीज़ें जो है ये इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर एक टैबलेट है, एक USB केबल है, मोबाइल एंड्रॉयड के साथ कनेक्ट होने वाले अडाप्टर हैं, पैसिव पेन है, एक ग्लव है, इसके साथ पिन्स हैं कुछ, और उनको रिप्लेस करने के लिए रिंग है, डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने ये ग्राफिक टैबलेट जो है HS64 ये अटैच किया हुआ है और इससे मैंने कुछ ड्राइंग भी बनाई है, क्योंकि पूरी ड्राइंग अभी सामने इसलिए नहीं बनाई कि मैं इतना मास्टर भी नहीं हूँ तो हो सकता मुझे देर लग जाती। तो बहरहाल इसको अभी ये ड्राइंग जो है ये अधूरी है, इसको हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पूरी करके अभी आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से ये टैबलेट काम करता है। सबसे पहले इसकी कीज़ की बात करते हैं, तो इसकी सेटिंग में चले जाते हैं कि कीज़ मैंने इसकी किस तरह से सेट की हुई है। टैबलेट के ऊपर जो है 4 कीज़ हैं, ये अगर देखें तो ये 4 कीज़ हैं, 4 कीज़ हैं, ये वाली की, ये वाली की और ये वाली की, ये टैबलेट के ऊपर की है। ये पहली जो की है ये Ctrl+Alt+Z यानी कि अनडू कमांड के लिए ये है, जब मुझे अनडू की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऐसे ही यूज़ करूँगा। ये स्पेस बार है, यानी हैंड से पकड़ के आप जो है ना इसको ड्रैग करना चाहें तो इस पे आ जाएंगे। अच्छा, ये जो है ये ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट है जिससे ब्रश बड़ा होता है, साइज़ बड़ा होता है, और ये छोटी ब्रैकेट जिससे ब्रश का साइज़, यानी ब्रश का साइज़ छोटा बड़ा करना होगा तो मैं ये बटन यूज़ करूँगा, और
इसके अलावा आप अपनी मर्जी से भी इसे दे सकते हैं, यानी कोई भी बटन आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ ये ऑप्शन आ जाएंगे। आप चाहें तो ये ऑप्शन चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो आपको फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं वो ऑप्शन इन कीज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। डिजिटल पेन जो है इसके ऊपर आएँ तो इसके ये दो बटन हैं, माउस राइट बटन, यानी जैसा माउस राइट बटन फंक्शन करेगा वो ये फंक करेगा, स्विच ब्रश, यानी ब्रश और इरेज जो है वो आपस में स्विच होते रहेंगे। तो इसमें भी आप इनको अगर सेलेक्ट करके आप इनको और कोई दिए दिए, देखिए मैंने स्विच ब्रश का दिया हुआ है, आप फॉर एग्जांपल कोई और भी देना चाहेंगे तो दे सकते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट करके। तो इसको भी हम क्लोज करते हैं और अपनी पिक्चर की तरफ आते हैं। तो ये देखें अभी कितना फ्लुएंट सा है ये, आप ये इसको मैं अकम्प्लिश कर रहा हूँ अभी, ये देखें ये इसकी दुम भी अभी रहती है। और ये हमने थीम ये दिया है कि ये जो है ना खड़ा हुआ है किसी चट्टान पे, तो वो चट्टान भी जो है ना हमने बनानी है। अब ये मुझसे सही नहीं बनी तो मैं अनडू करूँगा यहाँ से, रेजर यूज़ करना चाहता हूँ तो मैंने ये वो टॉगल स्विच जो मैंने आपको शुरू में दिखाया है वो मैं यहाँ पे यूज़ करके अरेज कर रहा हूँ इसको। अब इसकी हम चट्टान बनाते हैं यहाँ पे नीचे जो, ये भी हमने चट्टान सा बना के ये शुरू किया। अभी यहाँ पे हम ये फिर थोड़ा सा काम करेंगे इसी तरह, तो ये देखिए ये कितना स्मूथली जो है जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है ये काम करता है और बड़े अच्छे तरीके से। ये सारा जो है मैंने स्केच जो है इसी की मदद से बनाया है। अगर मैं इसको जूम करके छोटा करके आपको दिखाऊं तो ये साथ जोड़ लूँगा तो ये देखिए कितनी अच्छी ड्राइंग जो है इससे हुई है। कि अगर आप लेना चाहते हैं टेबलेट 6x4 इंच का तो 6x4 इंच में ये HS64 जो है हुयान का ये रिकमेंडेड है। इसके अलावा मेरे पास और दूसरी ब्रांड्स भी मौजूद हैं, जैसे XP पेन के काफ़ी सारी मेरे पास जो है मॉडल्स मौजूद हैं, हुयान के भी काफ़ी सारे मॉडल्स मौजूद हैं, इसके अलावा वे कंपनी है, इसके अलावा जो है एक कंपनी है गेमन और एक पार्बलो कंपनी है। इन सब के पास जो टैबलेट है मुख्तलिफ साइज़ में जो है वो मेरे पास मौजूद है, मुख्तलिफ फंक्शन के साथ, कोई वायरलेस है, कोई थ्रू वायर है, यानी आपकी जो भी नीड है। इवन के XP पेन का मेरे पास डिस्प्ले टैबलेट भी मौजूद है जिसके जो है कंप्यूटर का डिस्प्ले जो है आप उस पर देख सकेंगे, तो इसी वो भी सारे मौजूद हैं। आप इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हो या फिर इनको देखना चाहते हो या इनके ख़रीदना चाहते हो या इनके बारे में जो भी आप डिटेल लेना चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर रिंग करें, मेरा नंबर है, या मुझे व्हाट्सएप कर दें, बल्कि व्हाट्सएप कर दें तो ये ज़्यादा ईजी होगा। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 0333417195 2। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं और भी इसी तरह की टैबलेट्स के बारे में वीडियो बनाता रहूँगा, आप देखते रहिएगा, और मज़ीद की ग्राफिक्स टैबलेट्स की मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आती रहे वो आपको मिलती रहे।